हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स आ चुके हैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं पटना जंक्शन के नज़दीक हार्डिंग रोड वीर कुंवर सिंह पार्क में। तो यहाँ पे कृषि मेला लगता है हर एक साल फरवरी माह में लगता है दो दिन के लिए। यहाँ से कृषि से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है और बागवानी महोत्सव दो दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आम का पेड़ है, सब्जी का सारा यहाँ पे प्लांट है, देख सकते हैं जैसे गोभी है, हरा गोभी है, उसके बाद टमाटर है, शिमला मिर्च है। और सबसे ये बताओ आपका गोभी है, इसको हम लोग देख सकते हैं कलर का है, ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग से जुड़ना चाहती है, अपने अनाउंस करना चाहती है ट्रेनिंग के लिए, जो भी उसी में रखो ना, ये यहाँ पे बीज जो भी है इसके साथ साथ भी यहाँ पे बीज दिए हुए हैं। यहाँ यही एक प्रोसेस है। तो ये गोभी जो है कलर जो है तीन कलर का जो होता है सर, तो ये कहाँ पे इसका बीज मिलता है? इसका जो कि अच्छा, ये हमारे उद्यान निदेशालय अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी नालंदा में पालित किया जाता है कॉली हाउस के अंदर। और ये पटना में भी हमेशा अवेलेबल है, सीजन के समय आपको ये पंत भवन में भी आपको मिल सकता है। और पंत के नीचे एक दुकान है, सरकारी दुकान है, हम लोग विभाग के द्वारा खोला गया है, दुकान में भी आपको अवेलेबल है। आपका पटना में अगर लेना चाहें तो यहाँ आपको हम अवेलेबल नहीं करवाते, कार्ड हम खुद उत्पादित करते हैं, इसको हमारे सेंटर पर उसको इसका उत्पादन किया जाता है। नालंदा में मिलेगा आप उस पर देख सकते हैं।
ये हरिमन शर्मा और आपके सामने ये आज सामने में आपके सामने विशेष आया हूँ। हरिमन शर्मा जी हमारे सारे इमारत में रहता है, एक रुपया की ऐसी किस्म निकाली है था उसको तलब आई है। हम पूरे में हैं बिहार में फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रोहतास का फेमस पपीता लड्डू है, पपीता का लड्डू है, देख सकते हैं पपीता का लड्डू है बहुत सारे, जैसे आंवला का लड्डू हो गया, छेना, बहुत सारे जो भी है तो लड्डू यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग है डब्बे में यहाँ पर उपलब्ध है। सर्वप्रथम तो मैं बिहार ज्ञान विभाग बिहार सरकार का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश से बुला के आप लोगों से होने का मौका दिया, जहाँ औसतन तापमान 45 से 48 डिग्री तक जाता है। आम अनार मैंने 1990 में शुरू किया था और आप यहाँ बिहार से कई किसान 2018 में वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चाय का भी स्टॉल लगा हुआ है जो अलग अलग टाइप का वेरिएंट का है यहाँ पे, तो चाय का भी यहाँ पे है राजवाड़ी का नाम से है बिहार की चाय, बहुत सारे टाइप का चाय का यहाँ पे मिलेगा। और तो मेरे पहले 80 राज्यों में भारत बच्चे पौधे लगे हैं, उनमें से 27 राज्यों में भाग लेना शुरू कर दिया है। और भारत का क्या अलावा बांग्लादेश फ्रेंड्स देख सकते हैं ये नर्सरी है यहाँ पे, ये मुजफ्फरपुर का है और भी जगह का यहाँ पर नर्सरी लगाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं जिसमें अलग टाइप बहुत टाइप का यहाँ पे पेड़ पौधे मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं गुजरात टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी गुणवत्ता नापी गई है और सभी राज्यों से गर्म क्षेत्रों के लिए उत्तम है। मणिपुर की रिपोर्ट है और इसका रजिस्ट्री करके हमने 2014 में अप्लाई किया था और 2021 में यह ब्राजील भारत सरकार द्वारा यहाँ पे जो है फलों का अलग अलग लगाया गया है, हर एक फल जो है ना यहाँ पे लगाया गया है अलग अलग टाइप अलग अलग लाइन में लगाया गया है, तो बारी बारी से आपको दिखाते हैं आपको, ये फूल जो है अलग अलग वेरिएंट का यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उद्यान महोत्सव का प्रतियोगिता पुष्पमाला में से फूल निर्मित, देख सकते हैं अलग अलग टाइप का वेरिएंट का है, गेंदे का है।
यहाँ पे आप फूल का भी खेती करना चाहेंगे, यहाँ पे जो है इसका बीज अवेलेबल हो जाएगा, आपको बीज मिल जाएगा आपको। ये सारे वेरिएंट है फूल का, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फूल का वेरिएंट है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये फूल का है, ये देख सकते हैं वेरिएंट है, अलग अलग टाइप का है। उसके बाद ये येलो कलर का जो होता है ये वाला भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये वाला भी है। उसके बाद ये है अलग अलग टाइप का है, ये देख सकते हैं ये कलर का है, ये भी है बहुत बढ़िया लग रहा है ये। ये बहुत ही टाइप का ये वेरिएंट है, अलग अलग गुलाब का है, ये रेड है, ये गुलाबी है, और ये व्हाइट कलर का है, और ये येलो कलर का है। तो तीनों कलर मिल जाएगा, चारों कलर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट का बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल है। ये है मशरूम, है मशरूम देख सकते हैं, ये है मशरूम देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मशरूम है जो कि बिहार में इसका खेती होता है। और भी पैकेट में देखते हैं तो वो बाहर बाहर से आता है, बाहर बाहर स्टेट से आता है, ये बिहार का ही मशरूम है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मिट्टी है, और ये देख सकते हैं मशरूम का वेरिएंट है ये, अच्छा नहीं लगता, ये बड़ा भी है, पैकेट वाला देख सकते हैं ये, ये सारे मशरूम का वेरिएंट है अलग अलग टाइप का देख सकते हैं। ये देख सकते सारा जो है अलग अलग टाइप का, देखते हैं छत्ते की तरह एक ये मशरूम है, सब सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। खड़ा खड़ा बुखार की चलवाई ये देख सकते हैं अमरूद का है, ये इतना बड़ा साइज का अमरूद है, ये देख सकते हैं ये करीब 300 ग्राम, 350 ग्राम का होगा ये एक अमरूद है। अलग 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 वेरिएंट का भी अमरूद है यहाँ पे, मीडियम साइज का है, ये बड़ा साइज का, ये भी आपको देख सकते हैं ये बड़ा साइज का है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप का वेरिएंट है यहाँ पे, ये सारा अमरूद है। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मशरूम का जो है, मशरूम से बना हुआ ये आइटम है, आइटम में तो देख सकते हैं मशरूम पापड़ है, मशरूम मसाला बड़ी है, मशरूम पाउडर है जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखते हैं बहुत सारे वेरिएंट का है यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो और ये केले का है, केले केला का दिया हुआ है, अलग अलग वेरिएंट का भी केला है यहाँ पे।